Hello students, a very good morning Hello. To all of you. How are you all today? Hello. Welcome to our fourth English class. Hello. Today, in our English class, we are Hello, going Sir. To do our book work from lesson number 6, The Story of the Taj Mahal. So, beta, aaj hum apna ye chapter jo hai, iska book work karenge. Hello. So, page number 48 se leke page number 50 tak, hamare paas book work hai, jisko hum aaj complete karenge. So, sabse pehle hamara page number 48 ke upar hai. Listen to a passage about Shah Jahan and some of the kings who ruled before him. तो हम इस passage को पढ़ेंगे जो कि Shah Jahan के बारे में है और कुछ kings हैं जिन्होंने उससे पहले rule किया है. Fill in the blanks as you listen. और जैसे ही आप सुनते हैं आप अपने blanks को भरेंगे. So आप अपनी books को खोल लेंगे और बुक्स के अंदर पेज नंबर 48 खोलेंगे और जैसे जैसे मैं पढ़ता हूँ तो आप आइडेंटिफाई करेंगे और अपने फिल इन द ब्लैंक्स फिल करेंगे. सो पहला है द मुगल डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय बाबर इन 1526 आफ्टर ही वॉन द बैटल ऑफ पानीपत. ही वाज सक्सेडेड बाय हिज सन हुमायूं इन 1530. Third, Akbar was the next to rule. He became the emperor in 1556. After Jahangir's death in 1627, his son Shah Jahan became the ruler. Fifth, the design and construction of the Taj Mahal began in 1632 under the rule of Shah Jahan. So, beta, isko ek bar fir se revise karte hain hum. First hai, is par aap apna jo bhi aapne fill kiya hai usko check karenge. The Mughal dynasty was founded by Babur in 1526 after he won the battle of Panipat. Second, he was succeeded by his son Humayun in 1530. Akbar was the next to rule. He became the emperor in 1556. After Jahangir's death in 1627, his son Shah Jahan became the ruler. Fifth, the design and constructions of the Taj Mahal began in 1632 under the rule of Shah Jahan. सो बेटा इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पेज पे है फिल इन द ब्लैंक्स विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द बॉक्स. तो यहाँ पर हमारे पास बॉक्स में कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं इनको हम पढ़ते हैं. प्रिंस कुर्रम्स करेज अर्न्ड हिम द नेम शाहजहां. कि जो प्रिंस कुर्रम है उसका जो करेज था उसकी जो बहादुरी थी उसने उसे शाहजहां का नाम दिलवाया. नेक्स्ट है द मुगल मोमेंट्स आर नोन फॉर देयर ब्यूटी. कि जो मुगल मोन्यूमेंट्स हैं मोन्यूमेंट्स जो ये जैसे ताजमहल हो गया कुतुब मीनार हो गया इस टाइप के जो मोन्यूमेंट्स होते हैं तो वो उन्हें अपनी ब्यूटी के लिए जाना जाता है. मैनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स आर नाउ इन डेंजर. अब जो बहुत सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं जैसे आपने देखा होगा पुरानी हमारी जो बिल्डिंग्स हैं जो इमारतें हैं वो अब डेंजर में हैं. उनकी जो कंडीशन है वो बड़ी ही ख़राब है. द हाईलाइटेड वर्ड्स नेम्स आइडियाज़ क्वालिटीज़ एंड स्टेट्स दे आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो इसी प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं जो हमें क्वालिटी के बारे में बताते हैं या फिर आइडियाज़ के बारे में बताते हैं या स्टेट के बारे में बताते हैं वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं. तो यहाँ पर हम इसी के बेसिस के ऊपर एक्सरसाइज ए है उसको हम कंप्लीट करेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द बॉक्स. की जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बॉक्स के अंदर उनसे हमें इन ब्लैंक्स को भरना है. सबसे पहले है ब्यूटी खूबसूरती. नेक्स्ट इज एडवाइस सलाह. नेक्स्ट इज मेमोरी याद रखने की क्षमता जी या याद. नेक्स्ट स्टाइल. सो फर्स्ट है शाहजहां बिल्ट द मौजुलम इन मुमताज. यस उसकी याद में बनवाया था. सो मेमोरी तो यहाँ पर आप मेमोरी लिखेंगे MEMORY. सेकेंड है द ब्लैंक ऑफ द ताजमहल हैज़ मेड इट
फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। की जो ब्लैंक है ताजमहल की, उसने ताजमहल को पूरे विश्व के अंदर फेमस कर दिया। तो क्या चीज़ थी वो? यस, ब्यूटी। ताजमहल की जो ब्यूटी है, उसकी जो खूबसूरती है, उसने उसे वर्ल्ड में फेमस किया था। सो यहाँ पर आप ब्यूटी करेंगे कि जो ताजमहल की खूबसूरती है, उसने उसे वर्ल्ड में फेमस कर दिया। थर्ड है, द आर्किटेक्चर ऑफ द ताजमहल इज़ वन ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टाइल। कि जो आर्किटेक्ट है ताजमहल का, वो एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टाइल है, वो एकदम अलग है। नेक्स्ट है, अर्जुनानंद ब्लैंक वाज ऑफ ग्रेट वैल्यू टू शाहजहां। तो अर्जुनानंद की क्या थी? एडवाइस। तो यहाँ पर आप एडवाइस लिखेंगे, ADVICE, एडवाइस। अर्जुनानंद की जो सलाह है वो शाहजहां के लिए एक बड़ी ही वैल्यूबल साबित हुई। बी पार्ट जो है बेटा, इसको हम कंप्लीट करते हैं। मेक एडजेक्टिव्स फ्रॉम द नाउन्स गिवन बिलो। तो नाउन क्या होते हैं? हमारी संज्ञा, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग। और नेक्स्ट है एडजेक्टिव। तो हमें इनसे, इन ये जो नाउन्स हैं, इनसे हमें एडजेक्टिव बनाने हैं। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? विशेषण, जो विशेषता बताते हैं। दे टेल अस अबाउट नाउन। सो वन हैज़ बिन डन फॉर यू। तो यहाँ पर आपको देखते हैं कि एक इसमें आपके लिए क्या गया है। सो फर्स्ट है ब्रेवरी। ब्रेवरी हमारा नाउन है। ब्रेवरी से हमने बनाया ब्रेव। ब्रेव का मतलब बहादुर। तो जो लड़का है उसके बारे में हम ब्रेव से बता सकते हैं, ब्रेव बॉय, बहादुर लड़का। सेकेंड है ब्यूटी। सो ब्यूटी से जो हम एडजेक्टिव बनाएंगे वो क्या बनाएंगे? ब्यूटीफुल। सो ब्यूटीफुल मोन्यूमेंट। तो इसमें मोन्यूमेंट की विशेषता हमें पता चल रही है ब्यूटीफुल से। सो ब्यूटीफुल हमारा क्या है? एडजेक्टिव, जो हमने ब्यूटी से बनाया है। थर्ड है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस से हम बनाएंगे एडजेक्टिव कॉन्फिडेंट। सो कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट इज होप। होप से होपफुल। नेक्स्ट है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस से हम बनाएंगे हैप्पी। सिक्स्थ है ह्यूमर। ह्यूमर से हम बनाएंगे ह्यूमरस। HUMOROUS, ह्यूमरस। सेवन्थ है वार्म्थ। वार्म्थ से हम बनाएंगे वार्म, WARM। नेक्स्ट इज पेशेंस। पेशेंस से हम बनाएंगे पेशेंट। कि पेशेंस क्या होता है? धैर्य। और जब हम किसी को बताते हैं कि वो कैसा है, पेशेंट है, पेशेंट बॉय है, ही इज़ वेरी पेशेंट, पेशेंट टीचर। तो यहाँ पर पेशेंट लिखेंगे। तो बेटा आप इन्हें कंप्लीट करेंगे और रिवाइज करेंगे। थैंक यू। हैव अ गुड डे अहेड।